सूद ने भी अपने घर बप्पा को विराजमान किया है। घर पर आकर्षक मूर्ति स्थापित कर सोनू सूद ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। सोनू जी, आप अपने फैंस को और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को गणेश उत्सव की जो है कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या संदेश? तो मैं टाइम्स नाउ के सब दर्शकों को और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि यू नो, लोगों की उम्मीद बनते रहिए, कोशिश करते रहिए लोगों की तकलीफ़ें दूर करने की, और फिर देखिए बप्पा खुद ब खुद आपको उस मुकाम पर ले जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जाते जाते एक बार गणपति बाप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या, तो आपने सुना कि किस तरीके से सोनू सूद भी जो है अपने आराध्यदेव गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अभिनेता गोविंदा ने भी अपने घर में पप्पा को स्थापित किया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर गोविंदा अपने परिवार के साथ गणपति की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इस मौके पर टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने उनसे खास बातचीत की। मातृ पितृ भाव की जो कृपा है इस देश में, वो बहुत कमाल है। मैं धन्यवाद देता हूँ जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, और सभी शुभेच्छा प्रदान करता हूँ आप लोगों को। गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की भी मनोकामना जो बापा पूरी करें। सर, गणपति बापा मौर्या, गणपति मंगल मूर्ति। तो आपने सुना कि गणपति बापा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या, यही जो गूंज आज पूरे शहर में पूरे देश में भी सुनाई दे रही है।